ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाँव में गाँव में शुभ शाम पुलक सागर एक नाम एक नाम पुलक सागर एक नाम गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। भगवान ने तुम्हें शाकाहारी बना के भेजा है या मांसाहारी, मैं आज इसका परीक्षण आपसे करूंगा। क्या बना के भेजा है ईश्वर ने तुम्हें, जरा देखना। यदि मांसाहारी बना के भेजता ना तो तुम्हारे चार दांत बहुत बड़े बड़े बनाता। शेर के दांत बड़े हैं, मांसाहारी कुत्ते के दांत बड़े हैं, जो मांसाहारी हैं उनके दांत बड़े होते हैं। तुम्हारे बड़े हैं या छोटे हैं बताएं? छोटे दांत गाय के छोटे हैं, बैल के छोटे हैं, बकरी के छोटे हैं। जिनके दांत छोटे हैं ईश्वर कहता है तुम शाकाहार करना, तुम मांसाहार नहीं करना, इतना ध्यान रखिए। तुम्हें ईश्वर ने शाकाहारी बना करके भेजा। एक और दे रहा हूं परीक्षण आपके लिए कि मांसाहारी प्राणी जब भी पानी पीता है तो जीभ से चाट कर पीता है, और शाकाहारी चाट कर नहीं पीता, वह मनुष्य की तरह पिया करता है। कुत्ता पानी पिएगा तो जीभ से चाटेगा, बिल्ली चाटेगी, शेर चाटेगा, लेकिन गाय कभी चाटती नहीं है, हाथी चाटता नहीं है। जो शाकाहारी प्राणी है वह ग्रास के रूप में ग्रहण करते हैं, और जो मांसाहारी है वो जीभ से चाटा करते हैं। और एक बात और दे रहा हूं, जो शाकाहारी प्राणी है उनमें कभी बदबू नहीं आती, जो मांसाहारी प्राणी है उनके शरीर से दुर्गंध आया करती है। तो बताओ आपके शरीर से दुर्गंध आती है? नहीं आती, तो इसका मतलब आप शाकाहारी हैं। परमात्मा ने तुम्हें शाकाहारी बना करके भेजा है, और शाकाहार ही इंसान का भोजन हुआ करता है, मांसाहार कभी भोजन नहीं हुआ करता है। विचार करिए, मांसाहारी पशुओं की आंखें अंधेरे में चमकती हैं और शाकाहारियों की नहीं चमकती हैं। अपनी आंख देखना, अंधेरे में चमकती है या नहीं चमकती है? तो आप शाकाहारी हैं। प्रकृति ने आपको शाकाहारी बनाकर भेजा है। प्रकृति के खिलाफ मत चलिए। कौन कहता है कि मांस से, किस लिए खाते हो तुम मांस? इसलिए तो ना कि ताकत मिलेगी, बड़ी शक्ति मिलेगी। एक जगह मुझे बुलाया कि आप शाकाहार की ताकत बताएं। मैंने कहा मैं दुनिया के उदाहरण काय क्यों दूं, मैं अपने उदाहरण देता हूं। मैं वो हूं जो शाकाहार करता हूं, शाकाहार ही नहीं शुद्ध शाकाहार करता हूं। और ताकत देखना है ना तो 24 घंटे में एक बार खाता हूं। ध्यान रखिए, भीषण गर्मी भी आ जाए तो उसी समय भोजन और उसी समय पानी। दोबारा दिगंबर संत पानी भी नहीं पीता है। और कभी कभी तो वो हो जाता है मेरे भाई, कोई विघ्न बाधा आ जाए तो दो दिन क्या तीन तीन दिन तक भोजन नहीं किया करते हैं, और 24 घंटे में एक बार और छना हुआ पानी पीते हैं। और ताकत देखना है हमारी तो 24 घंटे में एक बार खाकर भी 40 किलोमीटर पैदल चलने की ताकत रखा करते हैं। ये शाकाहार की ताकत होती है। और गर्मी हो या ठंडी हो, ना कभी कुछ आसन बिछाते हैं ना चादर ओढ़ते हैं, ये शाकाहार की ताकत है मेरे भाई। और तो और, ये शाकाहार की ताकत वो ताकत है कि जैन संत जो होता है अपने बालों को उस्त्रे से नहीं कटाता, कैंची से नहीं कटाता, हर 3 महीने 4 महीने में उखाड़ करके फेंक दिया करता है। कोई मांसाहारी में इतनी ताकत है तो खड़ा हो जाए, चले हमारे साथ 40 किलोमीटर, चलेगा पैदल, एक टाइम भोजन करे, एक टाइम पानी पिए, बालों को उखाड़े, नग्न रह सकता है भीषण ठंडी में? मांसाहार में नहीं है ताकत मेरे भाई। मांस, हम तो 40 किलोमीटर चलते हैं तो भी आराम से रहते हैं, और मांसाहारी क्या करता है मालूम है? मांस खाता है और 20 सीढ़ी चढ़ा, धोखनी सा चलता है, लोहार की धोखनी सा उसका सीना, ये मांसाहार की ताकत है। बोलिए, मैं आपसे कहता हूं ताकत तो केवल शाकाहार में हुआ करती है। आपका यदि ये भ्रम है कि मांस खाने से शक्ति मिलती है
कोई शक्ति नहीं मिलती, शक्ति तो शाका। आप बताओ, शेर मांस खाता है, खेत जोतेगा वो? बैल क्या खाता है, खेत जोतता है? किसकी ताकत ज्यादा है मेरे भाई, उस शेर में ताकत ज्यादा है या बैल में ताकत ज्यादा है? मांसाहारी शेर को देखो और शाकाहारी हाथी को देखो, किसमें शक्ति ज्यादा हुआ करती है। अरे हाथी पर जब भी कोई शेर वार करता है ना, तो पीछे से करता है, यदि सामने से करे तो ऐसे 100 शेरों को हाथी पछाड़ करके फेंक सकता है। ध्यान रखिए, ये शाकाहार की ताकत। कौन कहता है कि शक्ति होती है मांसाहार में? बिल्ली में क्या ताकत है बताइए? जब शक्ति की बात आती है तो टाइगर पावर बोला जाता है या हॉर्स पावर बोला जाता है? बोलिए वे, घोड़ा बोला जाता है। कैसी ताकत चाहिए, शेर जैसी या घोड़े जैसी? घोड़ा शाकाहारी है कि मांसाहारी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। घोड़ा दुनिया में शाकाहारी है, तो आज आपके मंतव्य से ये सिद्ध हो गया कि ताकत शाकाहार में है, ताकत मांसाहार में नहीं हुआ करती है। लाख दलीलें दे दो तो भी शक्ति मांसाहार में नहीं हो सकती है। मांसाहार शरीर को निर्बल करता है, नपुंसक बना देता है जीवन को। मर्द बनो शाकाहार। भीम ने कभी मांस नहीं खाया, और ताकत ऐसी थी भीम में। सोचिए, आपको सोचना है। शाकाहारी पशुओं को देखना और मांसाहारी पशुओं का कोई उपयोग नहीं है, और शाकाहारी पशु जीवन भर उपयोगी रहा करता है। आपको विचार करना है, कोई शक्ति नहीं है मांसाहार में, शाकाहार में ताकत है। आप इसलिए मांस खाते हैं कि मांस में स्वाद है? कोई स्वाद नहीं है, मैं गारंटी देता हूं मांस में कोई स्वाद नहीं है। स्वाद तो मांस में डले हुए मिर्च मसालों में आता है। ध्यान रखिए, शाकाहारी सब्जी बनाने में उतना मसाला नहीं लगता जितना मांस पकाने में मसाला लगता है। कभी ख्याल करना, एक लौकी को, एक तोरई को बनाने में इतना मसाला नहीं लगता, इतना तेल नहीं लगता जितना मांस बनाने में लगता है। गौर फरमाइए जरा, क्यों लगाया जाता है इतना मसाला उसमें? क्योंकि स्वाद मांस में नहीं, स्वाद उस मसाले में है, और मसाला मांसाहार नहीं, मसाला शाकाहार हुआ करता है। ध्यान रखिए, घी में स्वाद है, मिर्च में स्वाद है, धनिये में स्वाद है, गरम मसाले में स्वाद है, मांस में कोई स्वाद नहीं होता है। और यदि मांस में स्वाद होता है तो मांसाहारी उसमें शाकाहारी मसाला क्यों मिलाते हैं? डायरेक्ट खा ले कच्चा लेकर के। और यदि प्यास बुझती है तो ध्यान रखना, खून से प्यास नहीं, प्यास पानी से बुझा करती है मेरे भाई। पानी शाकाहार हुआ करता है, मसाला शाकाहार हुआ करता है। सोचिए, आप विचार करिए, ना तो मांस में स्वाद है और ना मांस में ताकत है, फिर क्यों निरपराध प्राणियों की हत्या करते हो तुम? तड़फा तड़फा कर उन्हें मार देते हो। और एक बात ध्यान रखना, मांसाहार का विकल्प शाकाहार है, लेकिन शाकाहार का विकल्प मांसाहार कभी नहीं हो सकता है। मांस छोड़ के आदमी शाकाहार के दम पर जिंदा रह सकता है, लेकिन पूर्णता शाकाहार छोड़ के अकेला मांस खा के आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। मैं चुनौती देता हूं आपको, मिर्च मसाले छोड़ दो क्योंकि वो शाकाहार है, दूध पीना छोड़ दो क्योंकि वो शाकाहार है, पानी पीना छोड़ दो क्योंकि वो शाकाहार है। और मांसाहार से यदि जीवन चलता है तो अकेला मांस खाओ और खून पियो, कितने दिन जिंदा रहोगे बताओ? आपसे पूछ रहा हूं। शाकाहारी जीवन में पूरी आयु जीता है, मांसाहारी की आयु कभी पूरी नहीं हुआ करती है। हजारों तरह की बीमारियां उसके जीवन में आकर घेरती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि शाकाहार से जीवन दीर्घायु और स्वस्थ हुआ करता है। ये कोई धर्म नहीं है, एक विज्ञान है, एक साइंस है। इसको अपना करके देखिए, जीवन में एक बार मांसाहारी में कोई स्वास्थ्य नहीं है। मानिए, ध्यान रखो, जब तुम बीमार पड़ते हो, यहां पे डॉक्टर बैठे होंगे तो क्या कहते हैं कि बेटा हल्का भोजन करो, क्या दलिया खाओ, मूंग की दाल की खिचड़ी खाओ, मूंग की दाल का पानी पियो। बीमारी में कोई कहता है? जब कब कहता है डॉक्टर ये कम खाओ? जब कमजोरी आती है। ध्यान रखना,
तो कमजोरी को ताकत बनाने के लिए शाकाहार का इजाजत देता है डॉक्टर या मांसाहार की देता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बीमार हो जाओ तो मांसाहारी को भी कहा जाता है कि भाई ये सब मत खाना, दलिया खाना, दूध पीना, इससे ताकत मिलेगी। मांस से कोई ताकत नहीं मिला करती है। और ध्यान रखना, चार अंडों में जो ताकत होती है वो एक गिलास गौ माता के दूध में शक्ति प्राप्त हुआ करती है। और एक गिलास दूध पियो मेरे भाई। और मांस कितना महंगा है, जितने एक किलो मांस जितने में आता है उतने में तुम्हारी सस्ती हरी सब्जियां आ जाती हैं, उन्हें खाकर अपना जीवन गुजारिए। आज जैन समाज संपन्न क्यों है? आज जैन समाज के पास पैसा क्यों है? लोग कहते हैं बाणिये बड़े पैसे वाले होते हैं, लक्ष्मी भी है और सरस्वती भी है। एक आदमी ने पूछा कि नंग धड़ंग समाज, पैसा इतना, उनके गुरु और भगवान तो नंग धड़ंग ही होते हैं, कितना पैसा है इनके पास, जैनियों के पास? और एक बात ध्यान रखना, दुनिया में हर कौम का आदमी भीख मांगते मिलेगा, लेकिन जैन समाज का आदमी कभी भीख मांगते नहीं मिलेगा। अरे वो रिक्शा चला लेगा, मजदूरी कर लेगा, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया करता है भीख मांगने के लिए। हजारों भिखारियों को देख लेना, एक भी जैनी मिल जाए भिखारी बना हुआ तो बताना, इतनी कृपा तो जिनेंद्र की उस पर होती है कि उसमें वंश में जन्म लेने वाला कभी भीख नहीं मांगा करता है। ध्यान रखिए, क्यों है ये जैन समाज संपन्न? क्योंकि जैन समाज में मांस नहीं खाया जाता, अंडे नहीं खाए जाते, और इसमें जैन समाज में ज्यादा व्यसन नहीं होते हैं, शराब नहीं पी जाती है, इसलिए पैसा काय में खर्च होता है, वो सारा पैसा बचता है और ये समाज धनवान हो जाया करती है। आपका सारा पैसा शराब में चला जाता है, मांस में चला जाता है, अंडों में चला जाता है, जैन समाज ये सब नहीं करती है, ध्यान रखना। इसलिए संपन्न समाज है, और जिस जिस समाज ने ये सब स्वीकार किया वो समाज जैनियों का बपौती नहीं है संपन्नता, लेकिन जो जो सदाचरण से और सादा जीवन जिएगा लक्ष्मी का निवास उसे घर में हमेशा रहेगा, वो कभी गरीब नहीं हो सकता है। आप विचार करिए, ये मांसाहार किसी भी कीमत में मनुष्य का आहार नहीं हो सकता है। किस चीज, अब आप बताइए कौन सी चीज है जो तुम्हें मांस खाने को मजबूर करती है? जो आदमी मांस खाता है ना, वो अकेला मांस नहीं खाता, मांस के साथ साथ पशुओं के संस्कार भी खा जाता है, क्योंकि उनके संस्कार उसमें होते हैं, और पशुओं जैसी आदमी की जिंदगी हो जाती है। और जिसके घर में मांसाहार होता है, जरा टटोल कर देखना, उस घर के व्यवहार अच्छे नहीं हुआ करते हैं, क्योंकि पशुओं के संस्कार खा गए। और पशु के संस्कार खाने का मतलब है कि जैसा पशु अपने बाप को बाप नहीं मानता और माँ को माँ नहीं मानता, पशुओं के कोई रिश्ते नहीं हुआ करते हैं, तो जो उनका मांस खाता है उसके घर के भी रिश्ते समाप्त हो जाए, क्रूरता आ जाती है उनके अंदर, करुणा दया और संवेदनाएं खत्म हो जाया करती हैं। मान्यवर, मांसाहार बहुत बड़ा अभिशाप है। चीन में जाकर देखो तो एक भी कौआ नहीं देखेगा, सारे कौओं को मारकर खा गए। नागालैंड में जाओ, कुत्ते नजर नहीं आएंगे, कुत्तों को मारकर खा गए। अब किसे कहूं मैं कुत्ता? विचार करिए, सोचिए। अरब में जाओ तो गाय भैंस नहीं मिलेंगे, सब मार मार करके खा गए वो लोग। और यही वजह है कि अरब कंट्रीज में एक भी चौपाया प्राणी नहीं बचा है, खा गए राक्षसों की तरह। और अब भारत के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि हमें मांस निर्यात करिए हमारे यहां, और भारत की अंधी सरकार, इसको इतनी भी अक्ल नहीं आती है कि जो देश अपने घर के पशुओं को मारकर खा गया तभी तो तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। और ऐसे ही मांस निर्यात इस देश से होता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे यहां भी प्राणी केवल चित्र में रह जाएंगे। और तुम्हारा बेटा पूछेगा कि पापा ये कैलेंडर में किसका चित्र है, तो तुम कहोगे गाय का चित्र है। और बच्चा पूछेगा गाय क्या होती है, तो तुम्हारे पास सिवा चित्र के और कहानियों के कुछ भी नहीं बचेगा। एक बात ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, जैसे डायनासोर एक कल्पना बनकर के रह गया है और ऐसे ही पशुओं की हत्या होती रही, इस देश में पशु भी एक चित्र बनकर के रह जाएंगे। मैं जैनियों से पूछता हूं, यदि ये चित्र ही रह गए
तो जब पढ़ाओगे तुम बच्चों को कि ऋषभ देव के बैल का चिन्ह, और बच्चा पूछेगा बैल क्या होता है, तो शायद तुम्हारे पास कोई परिभाषा नहीं बचेगी। और जब कोई शिव के शिवालय में जाएगा और नंदी को बैठा देखेगा और बच्चा पूछेगा कि ये कौन जानवर है, तो तुम समझा ना पाओगे कि ये नंदी बैल है, क्योंकि वो तो मार करके खा चुकी है ये दुनिया। आपसे मेरा निवेदन है, शिवालय जाओ दर्शन करने, पशुपतिनाथ के मंदिर जाना, देखना शिव के मंदिर में दरवाजे पर नंदी बैल बैठा रहता है। ध्यान रखना, कभी गौर करना, तीर्थंकरों की पहचान करना है तो उनका चेहरा नहीं देखना पड़ता, चिन्ह देखना पड़ते हैं। और देख लिया कि सांप बना है तो पारसनाथ होंगे, बैल बना है तो ऋषभ देव होंगे, चिन्ह से तीर्थंकर पहचाने जाते हैं। और जिस दिन इस देश में पशु नहीं रहेगा, तुम्हारे तीर्थंकरों की पहचान खो जाएगी, फिर कौन रखेगा चिन्ह उनका। और शिवालय में जाओ तो पहले नंदी बैल बैठा है, महादेव कहते हैं मैं उस पर दया करता हूं जो इस पर दया करता है। कैसे महादेव तुम पर कृपा करेंगे? अरे कन्हैया जब बांसुरी बजाते थे तो गाय की झुंड के झुंड चले आते थे, अब कन्हैया इस धरती पर जन्म नहीं लेंगे क्योंकि उनकी गाय नहीं बची इस धरती पर, लोग हत्या कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है, आज भी इस देश में 36,000 बूचड़खाने हैं, आजादी के पहले 300 बूचड़खाने थे और आजादी के बाद 36,000, कितनी तरक्की कर ली हिंदुस्तान ने, 36,000 लाइसेंस प्राप्त बूचड़खाने हैं, गैर लाइसेंस की तो कोई गिनती ही नहीं है कितने बूचड़खाने हैं। आज भी देश में 36,000 बूचड़खानों से 1600 करोड़ रुपए का मीट एक्सपोर्ट इस हिंदुस्तान से पूरी अरब कंट्री को जाता है, 1600 करोड़ रुपए का मांस। मेरे भाई ये क्यों जाता है इस देश से, पशुओं की हत्या क्यों, सरकार को आप मजबूर क्यों नहीं करते हैं? 1600 करोड़ रुपए का मांस प्रतिदिन एक्सपोर्ट हो रहा है इस देश से, ध्यान रखिए। आप सोचिए, आप विचार करिए, हमारे देश का पशुधन नष्ट किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि हमारे देश में भी मांसाहारी लोग हैं, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में 1% लोग होंगे जो डेली मांस खाते हों। मांसाहारी लोग भी रोज रोज नहीं खाते हैं, कभी कभी छुट्टी में त्योहार में खाते हैं, डेली खाने वाले 1% मान लो, तो 99% पशु जो कटरा है वो देश के लिए कटरा है या विदेश के लिए कटरा है, सोचना है। हमारे देश की पशु संपदा अरब कंट्री की डाइनिंग टेबल में प्लेट में जाकर सज रही है। अरे मेरे देश ने तो करुणा का निर्यात किया है, ये क्रूरता का निर्यात क्यों हो रहा है? अरे देश को धन चाहिए तो हीरे मोती बेचो मेरे भाई, किसी की हत्या करके व्यापार मत करो। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति, प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन P75 गली नंबर 5 बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन शाहदरा दिल्ली 110032 मोबाइल 9198109006 99 ईमेल पुलकवाणी@gmail.com।